एक सिंगोन ईएसई से दो BLDC मोटर चल रही है यार, बहुत ही बड़ा गजब या एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, इस वीडियो के अंदर डिटेल्स आपको बताने वाला हूं दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दो मोटर को एक ईएसई के साथ चलाने वाले, ये बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। पिछले साल मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको खाली एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ, दो मोटर को चलाऊंगा, दो भी मोटर 1000 KV का है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 KV डिवाइस बार आ दोस्तों, ये 1000 KV के दो BLDC मोटर्स है विद प्रोपेलर। चेक करूँगा और आपको इसकी जो हवा है 6 इंच की वो भी आपको बताऊँगा टेस्ट करके। तो वीडियो को एंड तक बने रहे दोस्तों। एक ईएसई से आप दो कार्गो प्लेन भी बना सकते हो दोस्तों। इसका नाम है 30 Ampere सिंगोन ईएसई, फुल नाम रहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जो कि बहुत ही गजब रहता है। आप एक ईएसई से दो मोटर को कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। इवन दो मोटर भी मैंने पिछले साल चला के बताया था आपको। इससे अपन क्या क्या बना सकते हैं, आरसी कार, आरसी प्लेन, आरसी ड्रोन नहीं बना सकते। एक ईएसई से अपन दो BLDC मोटर चला सकते हैं, लेकिन ये कैसा चला सकते हैं, इसका क्या ट्रिक रहता है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप डिटेल्स जानने वाले हो दोस्तों। आप सोचते होंगे कि भाई हीटिंग होती, बस्ट होती, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वीडियो के एंड में देखेंगे क्या होता क्या नहीं होता दोस्तों अपने ईएसई के साथ। दोस्तों इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस जान लो, एक BLDC मोटर को एक ईएसई के साथ कैसा कनेक्ट करना बोले तो अपने पास एक BLDC मोटर है जैसे कि 1000 KV, इसके ऊपर टेप हटाने दो यार। पहले टेप हटाने के बाद आपको क्या करना है, जो रेड कलर का जो पहला वाला वायर दिख रहा है जहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा वो फास्ट में कनेक्ट करूंगा। आपको रेड कलर का एकदम फास्ट में कनेक्ट करना है। अपनी सोल्डरिंग मशीन को एकदम से फुल गर्म कर लेना है, गर्म करके एक शॉट में आपका ईएसई चिपक जाता है। अब ये सिग्नल वायर में कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता तो इधर उधर लगा देता था, लेकिन नहीं, बीच में लगाना है आपको ईएसी के एकदम मिड यानी बीच में आपको सिग्नल वायर लगाना है। इससे अपनी BLDC मोटर को अच्छा सिग्नल मिलता है दोस्तों। यहाँ पे वायरिंग तो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। चलिए इसके साथ 3S बैटरी लगाएंगे और इसको ऑन करके इसकी हवा देखेंगे कितनी अच्छी आ रही है नहीं आ रही दोस्तों। ये अपने पास 3S बैटरी है तो लगाई गई यार, इसको मस्त लगा के चेक करेंगे। तो दोस्तों अपन को मोटर लगाने से पहले ये है इसका मोटर कंट्रोलर, यानी कि अपन इसको बोलते हैं सर्वो टेस्टर। अब ये सर्वो टेस्टर के अंदर तीन तरीके के रहते हैं, एक सिग्नल, एक प्लस, एक माइनस। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो पहले वाला दिख रहा है आउट, पहले वाले के ऊपर एस या प्लस या माइनस। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, एसी का जो वायर रहता है यहाँ पर, एसी का ये लिड वायर है, तो क्या करना है आपको सबसे पहले लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाइट कलर का ये सिग्नल रहता है, सिग्नल पॉट में मैं लगा दिया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये सर्वो टेस्टर बहुत ही अमेजिंग रहता है किसी भी चीज़ टेस्ट करने दोस्तों। यहाँ पर अपनी BLDC मोटर ऑन करेंगे और लगा के देखेंगे भाई क्या धमाका होता है। यहाँ पर मैं 11.1 वोल्ट 3S 2200 mAh बैटरी यूज़ कर रहा हूँ यार। तो दोस्तों चलिए इसको दोस्तों यहाँ पे इसकी स्पीडनेस चेक करो यार, स्पीडनेस कितनी हाई है इसकी, इस BLDC मोटर की दोस्तों। ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा काम आने वाला BLDC मोटर है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर लगता है, साथ में इसके साथ मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, यहाँ पे सर्वो टेस्टर में हमेशा यूज़ करता हूँ। सर्वो टेस्टर का जो नॉब है बहुत हाई करूँगा यार, यहाँ पर देखना, जितना ज़्यादा मैं हाई करूँगा ना उतना ज़्यादा आपको एयर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मेरा फ़ोन तक भी खिल रहा है दोस्तों, इतनी ज़्यादा इसके अंदर पावर है दोस्तों। और भी क्या चीज़ से मैं इसको पावर टेस्ट करूँगा और आप देखते रहो यार वीडियो के एंड में। देखो दो मोटर को मैं कनेक्ट करूँगा एक ईएसई के साथ, तो क्या धमाका होने वाला है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इसकी हवा कितनी ज़्यादा हाई टॉर्क पे ये फेंक रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ ये कितना ज़्यादा और भी जगह हवा फेंक सकता है या अपने जो वाला कपड़े उड़ा सकता है या उड़ा सकता है, देखेंगे दोस्तों। इस BLDC मोटर को बहुत हाई भी कर दिया यार टॉर्क, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आ रही है यार इस BLDC मोटर के अंदर दोस्तों, बहुत ही कूलनेस की हवा आ रही है। दूसरा टेस्ट करके देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो यार, यहाँ पे तो गजब वाली BLDC मोटर हवा फेंक रही यार, यहाँ पर कपड़े तक भी उड़ रहे हैं दोस्तों। यानी कि जो दुआल दिख रहा है पूरा खिड़की को चिपक चुका है, इतनी ज़्यादा ये हवा देता है दोस्तों। लिटरली में बहुत ही कूल हवा देता है क्योंकि इसके अंदर 6 इंच का प्रोपेलर लगा हुआ है। चलो दोस्तों दो BLDC मोटर को कनेक्ट करने का टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको सेम कनेक्शन करना है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट पहले वीडियो के अंदर बोला था कि आपको सेम वैसी सिमिलर कनेक्शन यहाँ पर भी इस सेकेंड वाली BLDC मोटर को दे दिया हूँ। ब्लैक कलर का ब्लैक में लगा दिया, येलो कलर का जो येलो सिग्नल रहता है वो इस सिग्नल में लगा दिया है। बीच में लगाना है आपको, सिग्नल वायर बीच में रहता है दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वायर छीन लूँगा यार, बहुत ही गिड्डा हो चुका था वायर ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर सॉल्डरिंग मशीन से अच्छा आपको सॉल्डरिंग करना है, मज़बूत सॉल्डरिंग करना है। टेस्टिंग के टाइम पर नहीं निकलना है, ड्रोन उड़ाने के टाइम पर भी नहीं निकलना रहता BLDC मोटर का वायरिंग दोस्तों। तो फिर आइए दोस्तों
एक ESC से दो BLDC मोटर चल रही है यार, गजब हो चुका है, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है यार अपने के पास, तो अपने घर में ट्राई मत करना। एक ESC से दो BLDC मोटर लिटरली में चलती है, लेकिन लो स्पीड में भी नहीं चलती, बहुत हाई स्पीड में चलती है। यहाँ पर देखना 11.1 volt TS से दो BLDC मोटर चल रही है सिंगल ESC से दोस्तों। यहाँ पे मैं सर्वो टेस्टर का नॉब बढ़ा रहा हूँ फिर कम कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ फिर कम कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपके एक्सपीरियंस कुछ जानो दोस्तों।